नमस्कार, मैं दीक्षा चापुरियार, आवाज डेली हर्षित टीवी से। वक्त हो चला है आज के बुलेटिन का। बगोदर विधानसभा क्षेत्र के बिरनी थाना क्षेत्र के बालगो पंचायत अंतर्गत सलाईडी गांव में आग से जलने से एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत जिंदा जलने से हो गई। पुलिस घटनास्थल पहुंचकर मामले की तहकीकात कर रही है। बताया जाता है कि खलिहान में पुआल से बनी झोपड़ी में सीताराम यादव की मां 55 वर्षीय मुद्रिका देवी, बहन गुड़िया देवी 16 साल एवं भगनी जूली कुमारी 7 साल सोई हुई थी। बताया जाता है कि ठंड से बचने के लिए मुद्रिका देवी अपने परिजनों के साथ बोरसी जलाकर झोपड़ी में सोई हुई थी। संभावना व्यक्त की जा रही है कि बोरसी के चिरांगी से ही झोपड़ी में आग लगी होगी, इससे तीनों की मौत हो गई। घटना के बाद पीड़ित परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। बगोदर से धर्मेंद्र पाठक की रिपोर्ट। मेरी माँ बराबर यहाँ सोती थी, जब से खरियान कर रहे थे तब से, तब यहीं पर आई थी सोने के लिए। हम घर पर सोए थे, अरे बगल में सोई थी मेरी माँ, उसी के बीच में थोड़ा एक हमारे चचेरा भौजा है, उसने बोला वही कि वहाँ आग लग गया, आग लग गया। तब दौड़ के आए, तब तो पूरा आग बमक गया था, तब सब लोग पूरा गांव वाला जुट गया, तब उतारने शुरू किया तो बुत गया। कौन कौन सोया था? मेरा माँ, मेरा बहन और मेरा भगनी।